हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए एक चर वाला द्विघात समीकरण का परीक्षण करके देखें 1.5 का सवाल लेकर आए हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब यहाँ पे मूल का प्रकृति हमें ज्ञात करना है कि ये किस प्रकार के इसके मूल होंगे, क्या इनके मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे या वास्तविक समान होंगे, या फिर इनके मूल अवास्तविक होंगे। ये तीन हमें यहाँ पे देखना है। तो आप एक एक करके देखेंगे और समझ जाएंगे कि कौन सा वास्तविक मूल है और जिसका कि मूल समान है अथवा असमान है अथवा अवास्तविक मूल है। तो सबसे पहले एक नंबर का जो सवाल है उसका हम देखते हैं। इसमें देखिए सवाल दिया है 2x² + 7x + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a बराबर क्या है। यहाँ इस समीकरण में देखेंगे a बराबर 2, b बराबर x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो शेष संख्या है, जो अचर राशि है, वो हो जाएगा C। आप ए बी सी पकड़ लेंगे। ए बी सी पकड़ने के बाद आप जांच करेंगे, इसलिए B² - 4AC = कितना मिल रहा है आपको। A के जगह B के जगह पे बैठाइए 7, तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4 × a, a के जगह पे आप बैठाइए 2 और c के जगह पे बैठा दीजिए आप 3। अब इसका मान कितना आता है, 49 - 8, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। इसको अगर माइनस करते हैं तो इसका मान मिल जाता है 52। कितना मान आया, 25 आया। तो 25 आया, ये क्या है, ये मान आपका धनात्मक आया। तो जो धनात्मक मान आता है, ठीक है, यहाँ पे जो मान आ गया, ठीक है, ये जो मान आ गया वो क्या है, B² - 4AC = 0। और ये जो है बताता है कि जो मूल है इसका वो क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। लिख देंगे अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब इसको हम जांच करके देखते हैं कि इसका मूल क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए, a बराबर 3, b बराबर -2√6 और 2√6 -2√6, ठीक है, और c बराबर 2 आया। इसलिए चेक करते हैं B² - 4AC, B² के जगह पे हम लिखेंगे -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a, a के जगह पे 3 और b के जगह पे 2। अब इसका जब हल करते हैं
तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करिए तो दो गुना दो चार आएगा और रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स सिक्स आएगा तो 24 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको आएगा 24 माइनस यहाँ भी आएगा 24। अब 24 और 24 को जब माइनस करेंगे तो आएगा शून्य। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो आ गया। जब जीरो आता है तो इस समीकरण का मूल अतः इस समीकरण का मूल क्या होगा? वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक और समान होगा। ये आपका मूल का प्रकृति निकल के आ गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल हमारे सामने आ रहा है। ये देखिए, ये है 2x² - 7x + 9 = 0। ये 3 नंबर का सवाल है। अब इसमें देखते हैं कि इसका मूल कैसा निकल रहा है। तो a = 2, b = -7, c = 9, b² - 4ac, बी के जगह पे बोलिए कितना होगा, -7² - 4 × 2 × 9 49 और यहाँ पे माइनस होगा 18 × 2 = 72। अब 72 में 49 जब माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 और 6 बचेगा, आ रहा है यहाँ पे 23 आ रहा है। ठीक है, जब 23 आ रहा है तो ये चूंकि माइनस में आ रहा है, तो माइनस में जब आ रहा है तो लिखेंगे चूंकि b² - 4ac इज लेस देन जीरो। देखिए, जब भी लेस देन जीरो आता हो, ठीक है, जो मान माइनस में आ जाता हो, लेस देन जीरो आ जाता हो, तो इसका मूल अवास्तविक होंगे। आता इस समीकरण का मूल क्या आएगा? अवास्तविक होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल मिला है। इस बार सवाल मिला है 2x² - 2x3x + 1 = 0। अब देखते हैं इसको, a = 2/5, b = -2/3, c = 1। इसलिए चेक करें, b² - 4ac, b के जगह पे -2/3 बैठा देंगे, होल स्क्वायर 4 × a के जगह पे और c के जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस 4/9 -8/5। सॉल्व करें इसको, 45, 20, 72। इसको आगे बढ़ाएं, 72 में 20 माइनस करिए 2 और 7 में 2, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपका माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो माइनस, ये भी माइनस आ रहा है, जब ये माइनस आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अवास्तविक। ठीक है, अतः
इस समीकरण का मूल क्या आएंगे? अवास्तविक तो यहां पे दो समीकरण आया जिसका कि मूल क्या है, जिसका मूल अवास्तविक है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।